नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको मिलती है हर मंगलवार एक नई बुक की समरी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंडियन स्टॉक मार्केट को ध्यान में रखकर लिखी गई बेहतरीन बुक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग की बुक समरी। ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आप भी आसानी से कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके स्टॉक मार्केट में ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग को लिखा है सौरभ मुखर्जी ने। सौरभ मुखर्जी मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूरी की। सौरभ लंदन में क्लियर कैपिटल के को फाउंडर भी थे। इसके साथ ही वे एम्बिट कैपिटल के सीईओ भी रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। दोस्तों, ये शुरुआत होती है एक इंसान की स्टोरी से, जिनका नाम है मिस्टर योगेश तलवार। मिस्टर तलवार और उनका परिवार नोएडा में रहता है। उनके बेटे रोनित ने 12th के बोर्ड एग्जाम में 93% मार्क्स हासिल किए हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की सक्सेस की खुशी में एक पार्टी का आयोजन किया। सब लोग आकर उनके बेटे को बधाई दे रहे थे और कह रहे थे कि एक ग्रेट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। सब कह रहे थे कि रोनित एक दिन अपने डैड का नाम रोशन करेगा और अपने डैड की तरह एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा। अपने बेटे के बारे में ऐसा सुनकर मिस्टर तलवार थोड़े अनकम्फर्ट हो गए, और इसका रीज़न ये था कि मिस्टर तलवार को लोग भले ही एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में जानते थे, लेकिन मिस्टर तलवार अपने आप को एक अंडर अचीवर मानते थे। उनको एकदम से अपने पुराने दिन याद आ गए। उन्होंने हाईली रेटेड रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना वारंगल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने MDI गुड़गांव से MBA की डिग्री पूरी की, जिसके बाद उनकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में 2 लाख पर एनम के पैकेज पर जॉब लग गई। ये बात है 1990 की, लेकिन मिस्टर तलवार को लग रहा था जैसे ये कल की ही बात हो। 1991 में उनकी शादी हो गई और आज उनके दो बच्चे हैं, आकांक्षा और रोनित। आकांक्षा बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कर रही हैं और रोनित इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स का वेट कर रहा है। मिस्टर तलवार की लाइफ पूरी तरह से सेटल्ड है, लेकिन मिस्टर तलवार अंदर से अपने आप को आज भी अनसेटल्ड और अंडर अचीवर ही मानते हैं। और इसका कारण ये है कि जब उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो उन्होंने अपने आप से कहा था कि वो 40 की एज तक रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अब वे 50 के हो गए हैं और अभी भी वो फाइनेंशियली अनसिक्योर फील करते हैं। मिस्टर तलवार ने 1990 में अपना कैरियर शुरू किया था। उनके कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने पब्लिक सेक्टर कंपनीज ज्वाइन की थी, उनके कंपैरिजन में मिस्टर तलवार का कैरियर काफ़ी अच्छा था। उनको अच्छा इंक्रीमेंट मिल रहा था, लेकिन उन्होंने सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं बचाया। जो मिला उसे वे अपने शौक पूरे करने और लग्जरी लाइफ जीने पर खर्च कर देते थे। 1995 में जब वे 28 के हो गए तो भी उनकी लाइफ में कुछ खास बदलाव नहीं आया। जब 1996 में उनकी बेटी आकांक्षा का जन्म हुआ, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें एक फाइनेंशियल बफर बनाना चाहिए, इसलिए तब उन्होंने अपनी पहली फिक्स्ड डिपॉजिट बुक की। इसके बाद उन्होंने गोल्ड भी खरीदना स्टार्ट कर दिया। 1999 में मिस्टर तलवार ने नोएडा में अपना पहला फ्लैट खरीदा। इस तरह अपने पेरेंट्स के काफ़ी इंसिस्ट करने पर अपनी लाइफ के 3 बड़े डिसीजन उन्होंने लिए, मैरिज, बच्चे और अब घर। घर होम लोन पर खरीदा गया था। ये वो टाइम था जब होम लोन का इंटरेस्ट रेट 13-14% हुआ करता था, इसलिए उन पर मंथली बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उन्होंने अपनी FD भी तोड़ दी। इस तरह जब वे 30s में थे तो उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दी। सैलरी बढ़ने और होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण उनका मंथली बर्डन इजिली मैनेज होने लगा। अब मिस्टर तलवार को ज़रूरत थी सेविंग करने की, लेकिन इस बार उन्होंने FD को सेविंग के लिए नहीं चुना, बल्कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। उस समय पैसे को लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय इन्वेस्ट करने का मतलब था ट्रेडिंग करना। जैसे ही कोई स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता था, उसे बेचकर लोग दूसरा स्टॉक खरीद लेते थे। फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करने की वजह से वे अपने ब्रोकर को काफ़ी ज़्यादा चार्ज पे कर रहे थे, मतलब इन सब में जो पैसा बना रहा था वो था ब्रोकर। जब मार्केट में बुल रन आया तो मिस्टर तलवार का पोर्टफोलियो भी काफ़ी बढ़ गया, लेकिन उनका इसे बेचने का कोई इरादा नहीं था। इस समय रियल एस्टेट अपने बूम पर चल रहा था। जब उन्होंने एक बार फिर अपने फेवरेट सेक्टर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मन बनाया और उन्होंने एक और फ्लैट बुक कर दिया जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। इस तरह मिस्टर तलवार को अब अपने इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी उम्मीद थी और वे काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे। लेकिन फिर आया 2008 का स्टॉक मार्केट क्रैश। जब जनवरी 2008 से नवंबर 2008 तक निफ्टी 55% तक नीचे आ गया, इस क्रैश से मिस्टर तलवार का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिर गया, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टॉक्स स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट थे जो टिप्स के बेस पर या किसी कलीग के कहने पर या फिर ब्रोकर की सजेशन पर खरीदे गए थे। इसके बाद मिस्टर तलवार ने डिसाइड किया कि वे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे।
पोर्टफोलियो पर इतना नुकसान होने के बाद भी मिस्टर तलवार चैन की सांस ले रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है, इसलिए उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आता है साल 2013, जब रियल एस्टेट के बुरे दिन आने स्टार्ट हुए। मिस्टर तलवार ने सोचा कि ये तो टेम्परेरी प्रॉब्लम है जो जल्दी ही दूर हो जाएगी, लेकिन 2013 से 2017 तक रियल एस्टेट लगातार गिरावट के दौर से गुजरता गया। बिल्डर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक गए, इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया, लोगों को उम्मीद थी कि जल्दी उन्हें अपना आशियाना मिलने वाला है, लेकिन घर की मैक्सिमम पेमेंट देने के बाद भी लोगों को अपना घर नहीं मिला। मिस्टर तलवार पर अब दोनों तरफ से नुकसान की मार पड़ गई, पहले स्टॉक मार्केट क्रैश और अब रियल एस्टेट। जो फ्लैट उन्हें 3 साल में मिलने वाला था वो अभी 6 साल तक भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। बिल्डर 95% तक पेमेंट ले चुका था, लेकिन उसके पास प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। अब मिस्टर तलवार की फाइनेंशियल हालत काफ़ी कमज़ोर हो गई। एक दिन मिस्टर तलवार टीवी पर इंडिया पाकिस्तान का 5 साल पुराना क्रिकेट मैच देख रहे थे, जिसमें इंडिया जीता था, लेकिन मिस्टर तलवार का दिमाग कहीं और ही था। वे सोच रहे थे कि अब उनकी उम्र 50 ईयर्स हो गई है और उनके पास सिर्फ 10 साल हैं काम करने के लिए। मकान को छोड़कर उनके पास बस थोड़ा सेविंग FDs और गोल्ड में है। उन्होंने कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ले रखी हैं। मिस्टर तलवार एज्यूम करते हैं कि वे रिटायरमेंट के बाद 30 सालों तक एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास पोस्ट टैक्स 30 लाख पर एनम होना चाहिए। इसका मतलब है कि उनको एटलीस्ट 9 करोड़ रुपयों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी अमाउंट उन्हें कहाँ से मिलेगी, आखिर कहाँ उनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा जो उन्हें इतनी बड़ी अमाउंट मिल सके, जबकि उनके पास सिर्फ 10 साल का ही समय है। क्रिकेट मैच में इंडिया के पास महेंद्र सिंह धोनी अवेलेबल थे, जो आखिरी 10 ओवरों में बड़े हिट मार सकते थे और इंडिया को जीत दिला सकते थे, लेकिन मिस्टर तलवार के लिए अगले 10 सालों में कौन बैटिंग करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो मिस्टर तलवार को परेशान किए जा रहा था। इन सब के सॉल्यूशन के लिए मिस्टर तलवार अब मिलते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र निखिल बनर्जी से। निखिल के साथ मिस्टर तलवार की लंबी मीटिंग चलती है और अब निखिल मिस्टर तलवार को बताते हैं कि अब उन्हें ज़रूरत है एक फाइनेंशियल प्लानिंग की। दोस्तों, जो सॉल्यूशन फाइनेंशियल एडवाइज़र निखिल बनर्जी मिस्टर तलवार को बताते हैं वो हम सब के लिए भी पूरी तरह से लागू होता है, क्योंकि हम में से भी बहुत से लोग इसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जहां हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर कैसे हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलें और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। तो चलते हैं अब उस प्लान की ओर। इस प्लान के हिसाब से निखिल सबसे पहले मिस्टर तलवार की नेटवर्थ को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें उनकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट किया गया। इसके बाद ये चेक किया गया कि मिस्टर तलवार की इन्वेस्टमेंट ने पिछले 27 सालों से अब तक कितना रिटर्न जनरेट किया है। अपना रिटर्न देखकर मिस्टर तलवार के होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि उनकी इन्वेस्टमेंट ने अब तक सिर्फ 4% का रिटर्न जनरेट किया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मिस्टर तलवार लगातार इन्वेस्टमेंट्स में गलतियां किए जा रहे थे। अब निखिल ने उन्हें बताया कि उनको सबसे पहले अब ये जानने की ज़रूरत है कि उन्हें कितना रिटर्न चाहिए ताकि उनके गोल्स पूरे हो सकें। इसलिए अब उन्हें अपने सारे गोल्स की एक लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद उन्होंने ये लिस्ट बनाई। इसमें आकांक्षा की एजुकेशन के लिए 80 लाख, रोनित की हायर एजुकेशन के लिए 80 लाख, आकांक्षा की शादी के लिए 70 लाख, रोनित की शादी के लिए 70 लाख, एक हॉलीडे होम खरीदने के लिए 1 करोड़, हर 3 साल में एक कार खरीदने के लिए 10 लाख और हर साल इंटरनेशनल वैकेशन के लिए 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है। मतलब उन्हें निकट भविष्य में टोटल 4 करोड़ 15 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये अमाउंट आज के हिसाब से कैलकुलेट की गई है, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन रेट को ऐड कर दिया जाए तो ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इस सारी कैलकुलेशन के बाद ये बात सामने आई कि इन सारे गोल्स को पूरा करने के लिए मिस्टर तलवार की इन्वेस्टमेंट को 21% पर एनम का रिटर्न जनरेट करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपने गोल्स में थोड़ा चेंज करेंगे, जैसे कार चेंज करने की फ्रिक्वेंसी को कम करना, हॉलीडे होम न खरीदना और वैकेशन की फ्रिक्वेंसी को कम करना। इन सब को कम करने के बाद मिस्टर तलवार का रिक्वायर्ड रिटर्न 16% रह गया। अब मिस्टर तलवार को अगले 10 सालों में 16% पर एनम का रिटर्न पाना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि आखिर मिस्टर तलवार को 16% का रिटर्न कहां से मिलेगा। तो इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र निखिल का मिस्टर तलवार के लिए और हम सब के लिए जो सॉल्यूशन है वो है यूज़ द पावर ऑफ इक्विटी, जहां हमें मिलेगा कंपाउंडिंग बेनिफिट। मिस्टर तलवार ने अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ में 2 सबसे बड़ी गलतियां की, जो हम सब भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कर रहे हैं। उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की है कि उन्होंने 27 सालों के लंबे इन्वेस्टमेंट करियर में कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो नहीं किया। उन्होंने 27 साल के लंबे टाइम होने के बाद भी लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि एक बार वो इक्विटी में अपने हाथ जला चुके थे और इसका कारण था हैविली ट्रेडिंग करना। उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड
4 मंथ्स का था। उनकी 80% स्टॉक इन्वेस्टमेंट में कभी भी एक साल से ज़्यादा नहीं रही। वे अपने पोर्टफोलियो का 7% तक हर साल ब्रोकरेज दे रहे थे। इसके अलावा उनकी जो दूसरी सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि वो एक इरेगुलर इन्वेस्टर थे जो हमेशा मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते थे। मतलब जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करती थी तो वे शेयर्स खरीदते थे और जब मार्केट गिरती थी तो वे शेयर्स बेच देते थे। वे मार्केट में लगातार इन्वेस्टेड नहीं रहते थे। निखिल ने उन्हें बताया कि स्टॉक मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव होता है, इसलिए स्टॉक मार्केट से कंस्टेंटली अच्छा रिटर्न पाने का एक ही तरीका है और वो है स्टे इन्वेस्टेड। मिस्टर तलवार के पास अभी 10 साल का समय है रिटायरमेंट के लिए, और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो इसने 1979 से लेकर अब तक 15.8% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न जनरेट करके दिया है। निखिल ने मिस्टर तलवार को अलग अलग एसेट्स के रिटर्न करके बताया कि अगर किसी ने 1990 में 1,00,000 रुपये इक्विटी में इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू आज 34.2 लाख हो गई, जबकि वहीं गोल्ड में यह इन्वेस्टमेंट 11 लाख ही हो पाई है। अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है ये। इसलिए निखिल ने मिस्टर तलवार को ये सजेस्ट किया कि उनको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना है, जिससे उन्हें कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिल सके और जिससे वे अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर इक्विटी में इन्वेस्ट कैसे करें, कौन से शेयर खरीदें और किस फॉर्मूले का यूज़ करें। तो इसका जवाब है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। कैपिटल ग्रुप, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट फर्म में से एक है, इसका हेडक्वार्टर लॉस एंजल्स में है। 1960 में कैपिटल ग्रुप ने कैपिटल गार्जियन ट्रस्ट कंपनी खोली, जिसका एम था अमीर लोगों को इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करना। रॉबर्ट किर्बी ने कैपिटल में मेन इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में 1965 में ज्वाइन किया, जहां उनकी जॉब थी रिचेस्ट लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइस करना और उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करना। उन्होंने एक इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट से दुनिया का परिचय करवाया और वो था कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। इस कॉन्सेप्ट के बारे में रॉबर्ट लिखते हैं कि 1984 में उनकी एक क्लाइंट के हस्बैंड उनके रिकमेंड किए हुए स्टॉक्स को खरीदते थे, लेकिन यहाँ एक थोड़ा चीज़ अलग थी और वो ये थी कि ये आदमी रॉबर्ट के कहने पर स्टॉक को बाई तो कर लेता था लेकिन उन्हें सेल नहीं करता था, जबकि रॉबर्ट बाई और सेल दोनों ही रिकमेंड करते थे। इस प्रकार वो आदमी सिर्फ स्टॉक्स को परचेस करता रहा। 10 साल बाद जब रॉबर्ट ने उस आदमी के पोर्टफोलियो को देखा तो वे हैरान हो गए। इस पोर्टफोलियो ने उन पोर्टफोलियो से कई गुना ज़्यादा रिटर्न दिया जिनमें रॉबर्ट के रिकमेंडेशन के बाद बाइंग और सेलिंग होती थी। बाई और फॉरगेट की इस अप्रोच से इम्प्रेस होकर रॉबर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। पहले के समय में जब बैंक नहीं थे तो लोग अपने पैसों को और अपने कीमती सामान को कॉफ़ी कैन में रख लेते थे। इसी विचार से जन्म हुआ कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में आप 10 से 25 कुछ हाई क्वालिटीज स्टॉक्स को खरीदते हो और उसे अगले 10 सालों तक अपने पास होल्ड करके रखते हो और भूल जाते हो। 10 साल बाद आप देखोगे कि आपका कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो रिटर्न सेंसेक्स के रिटर्न को भी बीट कर देगा। ऐसा नहीं है कि इन स्टॉक्स में सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन जो कुछ लूजर स्टॉक्स होंगे उनके मुकाबले विनर्स स्टॉक कई गुना बढ़ चुके होंगे, जो आपको बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके देंगे। अब सवाल आता है कि क्वालिटी स्टॉक्स कैसे खरीदें। स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं, ऐसे में अच्छी कंपनियाँ ढूंढना आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ सिंपल फिल्टर्स का यूज़ करके हम क्वालिटी कंपनीज को फाइंड कर सकते हैं और 10 सालों तक उन्हें अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रख सकते हैं। सबसे पहले आपको उन कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहिए जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ से ज़्यादा हो। इसके बाद आपको देखना है उस कंपनी की सेल्स में पिछले 10 सालों में एटलीस्ट 10% की ग्रोथ हुई हो, और तीसरे नंबर पर उस कंपनी का ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिनिमम 15% होना चाहिए। इन फिल्टर्स के बाद आपके पास सिलेक्टेड कंपनीज बच जाएंगी जिन्हें आप परचेस करके अगले 10 सालों तक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में होल्ड करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नंबर वन है कि जब आप किसी हाई क्वालिटी स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करके रखते हो तो मार्केट के उतार चढ़ाव का उस पर ज़्यादा असर नहीं होता है और उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा है, जब आप किसी स्टॉक्स में 10 साल या इससे लंबे समय तक बने रहते हो तो आपके पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग का जादू अपना काम करने लगता है। और तीसरा, 10 साल या इससे लंबे समय तक होल्ड करने के कारण आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती हैं। बहुत से लोग ये सोचकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो ज़्यादा रिस्क लेना जरूरी है। इस थ्योरी के हिसाब से इन्वेस्ट करना सही नहीं है। विश्व के महान निवेशक हमें एक ही बात सिखाते हैं कि अगर हमें स्टॉक से अच्छा रिटर्न जनरेट करना है तो हमें हाई क्वालिटीज कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए और इसे लंबे समय तक अपने पास होल्ड करके रखना चाहिए, बिना ये सोचे कि शेयर का प्राइस कहाँ जा रहा है।
ऑथर कहते हैं कि स्टॉक्स को फिल्टर करने के बाद जब कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाया गया और उसे 10 साल तक होल्ड करके रखा गया तो हर बार इसने बेंचमार्क को बीट किया है, यहां तक कि मार्केट क्राइसिस के दौरान भी इसने बेटर परफॉर्म किया है। कॉफी कैन पोर्टफोलियो में हाई क्वालिटी कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है जिनके पास अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को 10 साल या 20 साल के लंबे टाइम तक सस्टेन करने का डीएनए होता है। दोस्तों, यदि आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो इस बुक से इन 5 बातों को आपको जरूर सीखना चाहिए। नंबर 1, यूज कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर मेकिंग अ गुड एंड कंसिस्टेंट रिटर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सेलेक्ट ओनली हाई क्वालिटी स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टिंग एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। नंबर 2, फोकस ऑन एक्सपेंसेस। लिटिल एक्सपेंसेस कैन मेक द बिग डिफरेंस इन योर रिटर्न। नंबर 3, इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट कैन बी अ ट्रैप। डोंट इन्वेस्ट हैविली इन रियल एस्टेट। नंबर 4, फोकस ऑन स्मॉल कैप कंपनीज एंड स्टे इन्वेस्टेड इन क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म। नंबर 5, कीप पेशेंस। इट विल टेक टाइम टू जनरेट गुड रिटर्न्स। दोस्तों, ये सारी बातें हमने सीखी हैं सौरभ मुखर्जी की बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग से। यदि आप भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो इस बुक को जरूर पढ़िए। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों।